दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि किसी भी जमीन का अगर पेपर आपके नाम से है, सारे डॉक्यूमेंट आपके नाम से है, कानूनी रूप से आप ही मालिक हैं, लेकिन कब्जा किसी और ने कर रखा है, तो फिर आखिर कैसे उस जमीन पर आप अपना पोजिशन यानी कि कब्जा पाएंगे? क्योंकि कई बार ऐसा केस में आप जाते हैं, जो कब्जा किया रहता है उसे हटाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर मैटर काफी बिगड़ जाता है, यहाँ पर मामला खून खराबा में बदल जाता है। तो यहाँ पर बिना झगड़ा फसाद किए बगैर आप कैसे कब्जे हटाएंगे, तो आज के इस वीडियो में इसी चीज को डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूँ तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। यहाँ पर ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जो भू माफिया होते हैं, जिनका की पैसा होता है कि वह जमीन को कब्जा करें, अगर ऐसे व्यक्ति ने आपकी जमीन पर कब्जा कर रखा है, या फिर कई बार आप किसी के साथ एग्रीमेंट करते हैं और यहाँ पर एग्रीमेंट दूसरे तरह का होता है लेकिन वह कब्जा ही कर लेता है, जैसे कि किसी को जमीन अपने बटैया पर ही दे दिया, या फिर ऐसे ही कोई कारण से एग्रीमेंट किया लेकिन वहां कब्जा कर लिया। तो अगर ऐसा केस है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर टाइटल आपके नाम से होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपका जो वह जमीन है वह आपके पूर्वज के नाम से है, लेकिन अगर आप उनके वंशज हैं तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कई बार जमाबंदी आपके पूर्वज के नाम से होता है, दादा परदादा के नाम से होता है, तो भी परेशान नहीं हो। यहाँ पर वंशावली बनाकर आप यह साबित कर सकते हैं कि जमीन आपका है, या फिर अगर वसीयतनामा के माध्यम से आपको वह जमीन मिला है तो भी यहाँ पर ठीक है, या फिर अगर सेल डीड के माध्यम से मिला है, गिफ्ट डीड के माध्यम से मिला है, यानी कि कैसे भी यह चीज साबित करे कि उस जमीन के आप उत्तराधिकारी हैं, वह जमीन आपका है। तो यहाँ पर जो भी कब्जा किया होगा उसे जमीन छोड़ना होगा, यहाँ पर पुलिस खुद से हटाएगी, आपको लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको अपने जिले के सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना होगा। आप यहाँ पर परमानेंट इंजेक्शन का सूट फाइल करते हैं, और जो भी संबंधित जमीन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है आपको कोर्ट में पेश करना होता है। फिर कोर्ट यहाँ पर सारी चीजों को देखती है, और फिर जब कोर्ट का डिग्री आता है तो उसे वह जमीन छोड़ना पड़ेगा, और अगर वह नहीं छोड़ेगा तो यहाँ पर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनेगा, फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करेगी, उसकी यहाँ पर कुर्की जब्ती तक हो सकती है। तो यहाँ पर अगर कोई आपके साथ ऐसा किया है, जमीन आपका है लेकिन कब्जा किसी और ने किया है, आप यहाँ पर बातचीत से प्यार से उसे समझाते हैं लेकिन वो नहीं समझता है, तो आपको यहाँ पर बहसबाजी नहीं करनी है, आपको यहाँ पर कोर्ट चले जाना है, आपको कोर्ट में सूट फाइल करना है, और फिर आपका जो काम है सारा काम पुलिस खुद करेगी, कोर्ट खुद करेगी, और फिर आपको कब्जा दिलाएगी। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर उनको भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रतिश1584, आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।